हुई बारिश में बिलासपुर शहर के वार्ड क्रमांक 46 गणेश नगर चिचैया पारा के घरों में जलभराव हो गया है। इस दौरान लोगों के घरों के सारे सामान पानी में तैरते हुए देखा गया। लोगों से मिली जानकारी के अनुसार रेलवे के जमीन पर निगम के द्वारा नाली बनाया गया था, जिसके ऊपर महामाया मंदिर समिति के द्वारा अवैध तरीके से भवन निर्माण किया गया, जिस वजह से नाली का पानी पास नहीं हो पा रही है। जोन क्रमांक 6 के कमिश्नर विभा सिंह पार्षद इब्राहिम खान मौके पर जाकर निरीक्षण किया तो लोगों के घरों में पानी भरा हुआ पाया गया। कुछ घरों के दीवारें भी टूटी हुई पाई गई। निगम कमिश्नर ने कहा कि मोटर पंप की मदद से घरों में भरा पानी को निकाली जाएगी और आपसी समझौता से नाली के ऊपर चैम्बर बनाकर समय समय पर सफाई की जाएगी। बारिश हुई है आपके घर में, पूरा बारिश का पानी भर गया, क्या कहना चाहेंगे? नाली को पार्षद महोदय को बोले थे कि साफ करवा दीजिए करके, पर ध्यान नहीं दिए। आज मेरे घर में पूरा पानी भर गया, न पकाए न खाए, बच्चे को रखने के लिए जगह नहीं है, पूरा बर्तन तन भी मतलब तैर रहा है पानी में एकदम। बहुत बहुत सारा हम लोग के कॉपी किताब ये सब भी नुकसान हुआ। कब से ये पानी भर रहा है? ये बीच में भरा था हल्का, लेकिन आज बहुत ज़्यादा है, पूरा मतलब ये घुटना तक से ऊपर हो गया है पानी, और मतलब बिस्तर उतर सब खराब हो गया हम लोग के घर का। और ध्यान देते तो हो जाता, लेकिन नाली साफ कराने के लिए बोली थी, मैं खुद बोली थी और दीदी लोग को लेके गई थी, फिर भी ध्यान नहीं दिए। बड़ा नाली है, नहीं बनता, ऐसे करके बोल दिए। इस सालों से ये समस्या बनी हुई है, ये तो बहुत सालों से है, लगभग फिर भी 10 साल आस पास से है। आपका नाम? रोशनी खांडे। मोर घर में पानी भर के भाई, और देखना कोनो कुछ करत नहीं है, और ये दे 5 साल चोर है तेना ना, ये दे नाली उली साफ नहीं करवा थे ना कुछ नहीं। और मोर घर में नान नान बाल बच्चा है, हैं तो फिर ये घर में जो कुछ हो जाही, कहीं हो जाही, लड़का मान ला कि हाँ मान ला, तो भरपाई कौन कर, घर भसक गए। कब से ये समस्या बनी हुई? 8-10 साल हो गई। तो क्या इसको शिकायत आप किए थे? करे रहे हैं, कोई हमन के ध्यान नहीं। नगर निगम में भी करे रहे हैं, पार्षद से भी करे रहे हैं। कौन है पार्षद अभी? ओ अब्दुल। अब्दुल, आपका नाम बताएं? दुर्गा यादव। जल भरा हुई है बारिश के कारण, काफी लोग परेशान दिख रहे हैं। निगम की टीम लगी हुई है साफ सफाई के लिए, डीवाटरिंग पंप भी लगा रहे हैं, तो जैसे ही वाटर लेवल कम हो जाएगा तो उसके बाद और सफाई करवा देंगे। कुछ लोगों का मकान भी धसने का काम बात आई है? नहीं, अभी तो ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई है, मैंने देखा है। नहीं, मैंने तो देखा ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई है, बट पानी निकल जाएगा तो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी।